देवाल ने और बिगाड़ी दिल्ली एनसीआर की आबोहवा, खुला जहर। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर तक पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, 999 पहुंचा कई इलाकों में। दिल्ली के कई इलाकों में पटाखे के धुएं से गुब्बार से फटे, सांस लेना हुआ मुहाल। बेहद खतरनाक एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले इलाकों में किया जा रहा है पानी का छिड़काव। एनजीटी कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर लगाई थी पाबंदी, प्रशासन आदेश पर अमल कराने में रहा नाकाम। दिल्ली के शहीद सुखदेव कॉलोनी का सबसे बुरा हाल, एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 रहा। दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके में भी दम घोटू आबोहवा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 785 तक पहुंचा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 773। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में AQI 572, द्वारका में 544। दिल्ली के अमेरिकी एम्बेसी इलाके में 610 पाया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। पंजाबी बाग सोनिया विहार में भी जमकर प्रदूषण। जैसलमेर में बॉर्डर पर प्रधानमंत्री मोदी BSF जवानों के साथ दिवाली मनाते नजर आए, टैंक पर चढ़े प्रधानमंत्री मोदी। चीन पर प्रधानमंत्री ने किया वार, कहा पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है, ये एक तरह की मानसिक विकृति। जवानों के साथ पूरे जोश में नजर आए पीएम मोदी, देश ने देखा नए भारत के प्रधानमंत्री का जोश। पीएम मोदी ने सरहद की सुरक्षा को लेकर दुश्मन को किया आगाह, कहा भारत समझने समझाने में रखता है यकीन, लेकिन हमें आजमाने की कोशिश की तो जवाब प्रचंड मिलेगा। पाकिस्तान का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर किया आगाह, कहा आज भारत आतंकी आकाओं को घर में घुसकर मारता है। जैसलमेर में प्रधानमंत्री मोदी ने तत्कालीन मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को किया याद, लोंगेवाला पोस्ट पर पाकिस्तान को धूल चटाकर लिखी थी शौर्य की गौरव गाथा। पीएम मोदी ने दिवाली पर जवानों का मुंह मीठा कराया, कहा सेना ने लोकल फॉर वोकल का निर्णय लेकर 130 करोड़ देशवासियों को दी प्रेरणा। सरहद पर जवानों संग प्रधानमंत्री मोदी की दिवाली में CDS विपिन रावत और DGBSF राकेश अस्थाना भी शामिल हुए। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे और एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी प्रधानमंत्री के साथ पहुंचे। पीएम मोदी ने लोंगेवाला में शहीदों को दी श्रद्धांजलि, देशवासियों से की अपील शहीदों के नाम जलाएं एक दिया। दिवाली पर जैसलमेर एयरबेस पर पहुंचे प्रधानमंत्री, एयरफोर्स और नौसेना के शौर्य को सराहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बीते 2 महीने में देश की बढ़ी सामरिक ताकत, कई मिसाइलों के हुए पक्के हुए परीक्षण, अब जल थल नभ में मिसाइलों की अभी सुरक्षा दीवार है तैयार। कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के शौर्य को सराहा, कहा विदेशों में फंसे भारतीयों को अब सेतु के जरिए वतन लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस वक्त वुहान में बरपा था कोरोना का कहर, एयरफोर्स के जवान भारतीयों को वहां से निकालकर वतन लाए। पीएम मोदी ने कहा कोरोना संकट ही नहीं, चक्रवात समेत तमाम आपदाओं में जवानों ने देशवासियों तक पहुंचाई मदद। देश भर में दिवाली की धूम, रंग बिरंगी रोशनी में नहाई दिल्ली। इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन में शानदार सजावट। दिल्ली वालों ने भी सादगी से मनाई दिवाली, घरों में किया रोशनी के पर्व को सेलिब्रेट। अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब में शानदार सजावट, मनमोहक आतिशबाजी देखकर अभिभूत हुए श्रद्धालु। अयोध्या में दीपावली पर गंगा यमुनी तहजीब की मिसाल, मुस्लिम समुदाय ने दीपकों से लिखा राम का नाम। जयपुर में लोगों ने दिया प्रदूषण रहित दिवाली का संदेश, कार के ऊपर जलाए गए 1100 दिए। सिक्किम में ITBP के जवानों ने भी मनाई दिवाली, दीप जलाकर किया खुशियों का इजहार। दिवाली पर किसानों का ऐलान, कृषि कानून रद्द नहीं हुआ तो सूरत में 26 और 27 नवंबर को होगा बड़ा आंदोलन। बरनाला में कृषि कानून के खिलाफ दिवाली पर भी किसानों का धरना जारी, रेलवे स्टेशन पर चल रहा है विरोध प्रदर्शन, मिठाई लंगर का आयोजन। दीपावली के मौके पर नोएडा में जागरूकता अभियान, इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी ने सफाई कर्मचारियों को बांटे मास्क। बेंगलुरु के बाजारों में दिवाली पर जोरों की खरीदारी, कोरोना काल में उमड़ी भीड़। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने इंडो चाइना बॉर्डर पर हर्षल में सेना के साथ मनाई दिवाली, बेयर रेजिमेंट और ITBP के जवानों को बांटी मिठाइयां। उत्तरकाशी में दिवाली की शानदार तैयारी, फूलों से सजाया गया बद्रीनाथ धाम। दिवाली के शुभ दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हुई मुहूर्त, ट्रेडिंग अभिनेत्री आतिश शेट्टी बनी खास मेहमान, शेयर बाजार की तरक्की के लिए 1957 से हो रही मुहूर्त ट्रेडिंग।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। दिवाली पर मुंबई में नजर आए सितारे। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और अनन्या पांडे पहुंची सुधा चतुर्वेदी के घर। दिवाली पर अभिनेता रणबीर कपूर से मिले निर्माता निर्देशक करण जौहर। बांद्रा में रणबीर के घर पहुंचे करण। मुंबई के बांद्रा में फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के घर नजर आई सोफी चौधरी। साथ में दिखे करण ठक्कर। मुंबई में एकता कपूर के घर भी हुई दिवाली पार्टी, जुटे कई सितारे। मुंबई में एयरपोर्ट पर नजर आई अभिनेत्री सनी लियोनी। यूपी के खुर्जा में दिवाली पर पटाखा विक्रेता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिता की गिरफ्तारी पर बिलख पड़ी मासूम बच्ची। पुलिस ने अनसुनी की फरियाद। सोशल मीडिया पर मासूम का दर्द वायरल होने पर प्रशासन को आया होश। एसडीएम और सीओ ने मासूम के घर जाकर मनाई दिवाली। एसडीएम ने मासूम को गिफ्ट दिया। दुलार देकर दिलो दिमाग से दूर किया प्रशासन के प्रति पनपा खौफ। एसपी सिटी ने पटाखा विक्रेता को गिरफ्तार करने वाले हेड कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर। यूपी में पटाखे पर पाबंदी के बीच मासूम से असंवेदनशीलता दिखाने का मिला दंड। इंदौर में दिवाली पर बदमाशों की करतूत। घर के बाहर रंगोली बना रही महिला की चेन छीनकर बाइक सवार लुटेरे फरार हुए। महाराष्ट्र सरकार का दिवाली पर तोहफा। पूरे सूबे में धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी। बिहार में सरकार के लिए गहमा गहमी तेज। दिल्ली बुलाए गए सुशील मोदी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 2022 के चुनाव में बसपा से गठबंधन पर बोले अखिलेश यादव का, हमारी सरकार बनी तो शिवपाल यादव को बनाएंगे कैबिनेट मंत्री। बिहार चुनाव में अखिलेश ने बीजेपी पर लगाया धोखे का आरोप। महागठबंधन को बेईमानी से हराया। पीएम मोदी ने खुशी जताते हुए किया ट्वीट। WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए भारत को चुना। शिमला पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में दिक्कत। जम्मू कश्मीर में LOC पर पाकिस्तान की नापाक हरकत। फिर तोड़ा सीज फायर, पूंछ में गोलीबारी। बॉम्ब स्क्वाड ने डिफ्यूज किया जिंदा बम। कन्नौज में बुजुर्ग दंपत्ति को बदमाशों ने बनाया निशाना। घर में घुसकर किया लहूलुहान। लाखों का सामान लेकर हुए चप्पल। भाई को थप्पड़ जड़ने पर भड़की महिला ने पुलिसकर्मी का मोबाइल छीनकर तोड़ा। भीड़ भरे बाजार में खड़ी बाइक हटाने के लिए कहने पर भड़का गुस्सा। मुर्शिदाबाद के मलपुरा गांव में एक घर में धमाका। अजुल शेख नाम के शख्स की मौत। मुंबई में एयरपोर्ट पर अपने पिता बोनी कपूर के साथ नजर आई अभिनेत्री जाह्नवी कपूर। बालासोर में DRDO ने किया क्विक रिएक्शन सर्फेस मिसाइल का टेस्ट। मथुरा की बरसाना में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत। तफ्तीश में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में एक बीजेपी नेता के बेटे ने की खुदकुशी। बंदूक से खुद को मारी गोली। हल्द्वानी में दिवाली पर झुग्गी बस्ती वालों का घर रोशन करने पहुंची एक समाज सेवी संस्था। 500 झोपड़पट्टी वासियों को दिया लालटेन का तोहफा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी। बारिश की तरह आसमान से बरसी बर्फ। छाता लेकर रोजमर्रा के लिए निकले लोग। गुलमर्ग में मुगल रोड पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के गुरेज में भी मौसम की पहली बर्फबारी। लोग ले रहे हैं इस मौसम का मजा। अनंतनाग के दुकसुम में भी हुई बर्फबारी, बिछी सफेद चादर। कर्नाटक के मंगलुरु में जोरदार बारिश, कई इलाकों में जलभराव का संकट। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में कोरोना से बिगड़े हालात को बताया खतरनाक। कहा जो तथ्य हैं वो काफी चिंताजनक हैं। अलकायदा के नंबर दो सरगना अबू मोहम्मद को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स का खुलासा। इसराइल की खुफिया एजेंसी ने अमेरिका के इशारे पर की थी हत्या। पेरिस पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो। अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और आतंकी बातचीत। वियतनाम के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में साउथ ईस्ट एशिया डिजिटल समिट का आयोजन। कोरोना काल में व्यापारिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा। थाईलैंड में प्रधानमंत्री प्रयुक्त चान ओचा ने इस्तीफे की मांग। सड़कों पर उतरे लोग। 4 महीने से जारी है प्रदर्शन का दौर। दुनिया में कोरोना केस 5,40,00,000 के पार। 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। करीब एक हफ्ते में चीन में नए संक्रमितों का आंकड़ा 2,500 के पार। शुक्रवार को 18 नए संक्रमितों की पहचान की गई। लीबिया तट पर डूब रहे जहाज से 250 से अधिक प्रवासियों को बचाया गया। स्पेनिश एनजीओ ने लोगों को किया रेस्क्यू। ब्रिटेन के शाही परिवार ने प्रिंस चार्ल्स को दी उनके 72वें जन्मदिन की बधाई। पिछले साल प्रिंस ने भारत में बच्चों के साथ मनाया था अपना जन्मदिन।
अमेरिका में भी दिखी दिवाली की रौनक, जगमग रोशनी से नहाई न्यूयॉर्क की मशहूर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।